प्रसाद सिंह मुखिया प्रत्याशी पश्चिमी पंडारक हमारा चुनाव चिन्ह ढोलक छाप। मुखिया के क्षेत्र में पहले भी आप मुखिया रह चुके हैं? मुखिया हमारी पत्नी बेबी देवी थी, लेकिन इसमें भी हम उनका प्रतिनिधित्व करते थे। यानी कब कर रहे थे, आपका कब कार्यकाल था वो? 2001 से लेकर 5 तक, 2 से लेकर हम भाई 5 या 6 तक, 1 से 6 तक आप रहे, जिसमें प्रथम बार था। तो ये बताइए कि उस दौरान के बाद फिर जो पुनः चुनाव आए उसमें आप जीत नहीं पाए? नहीं जीत। वजह क्या था? वजह तो इसमें क्या कहा जा सकता है, वजह तो यही मान ले सकते हैं कि वर्चस्व का यहाँ बोलबाला हो गया, इंसान आदमी का वैल्यू कम गया। इस बार काफ़ी कम संख्या में प्रत्याशी हैं, पूरे पंचायत से मात्र 2 ही प्रत्याशी हैं, इस बार क्या लगता है आपको? इस बार तो जनता हमारे साथ है, विशेष तो आप पत्रकार हैं, आप बताइएगा कि क्या लगता है। बहुत सारे प्रत्याशी इस बार, आप 2 प्रत्याशियों के लिए ही रन छोड़ दिए हैं पंचायती राज का, तो इस बार क्या लग रहा है कि आप कितना मत से विजय होंगे, आपका अनुभव क्या? अब तो यहाँ धर्म अधर्म की लड़ाई है, अब यहाँ डायरेक्ट लड़ाई है। सारा प्रत्याशी मिल के हम लोग ने तय किए हैं कि एक ही कैंडिडेट हम विपक्ष में दें, सब ने बैठक करके यह तय किए हैं कि हमको एक ही प्रत्याशी देना है, ताकि हमारा जो विरोधी का वोट है वो बटे। तो क्या ये जनता का भी मत है सर, या फिर आपने प्रत्याशियों ने मिलके ही ऐसा फैसला किया? तो जनता का भी मत है, अगर जनता का मत नहीं रहता कोई ना कोई खड़ा होते। यानी कि आप तमाम जो पंचायत के लोग हैं इस तरह का सजेशन देकर इस तरह के आपको इस बार की चुनाव में आपको प्रेरित किए। तो आप जब चुनाव जीतते हैं तो जीतने के बाद सबसे पहले आप किस मुद्दा के ऊपर विशेष काम करेंगे? सबसे पहला मुद्दा तो है कि जो इस पंचायत में 1,40,000 रुपया अभी मकान के लिए मिलता है जी, अभी भी 1,00,000 रुपया दिया जा रहा है इंदिरा आवास। इंदिरा आवास, हम भी मुखिया थे उस समय तो फंड कम था, 20,000 रुपया मिलता था, 20,000 में हमने 20,000 रुपया हर एक जनता को दिलवाया। ये आप भी पूछ सकते हैं कोई भी जनता से कि एक पैसा ना हम लिए ना हम ब्लॉक में लेने। इस बार क्या लगता है कि इस बार जब आप चुनाव जीत के आएंगे तो उस तरह का जो धंधा अन्य प्रत्याशी या विभाग के द्वारा किया जा रहा है तो उस पर आप प्रतिबंध लगा पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, एक नया नहीं तो कसम है हमारी, वो आप नहीं कर, किसी भी चीज़ से भ्रष्टाचार रंगदारी इससे समझौता हम नहीं, चुनाव हम जीते या हार। युवाओं के लिए आप क्या करेंगे? युवाओं के लिए पहले भी हम किया करते थे, 15 अगस्त 26 जनवरी को जो पढ़ने में फर्स्ट सेकेंड थर्ड होते थे, खेल में कोई फर्स्ट सेकेंड थर्ड होते थे उनको पुरस्कृत करना, उनको साल ओढ़ाना, जो हमारे सम्मानित लोग थे उनको सम्मान देना, ताकि हमारा बच्चा गलत रास्ता पर नहीं जाए। पंचायत राज में बेरोजगारी एक चरम सीमा पूरे बिहार में है, तो इसमें आपका पंचायत राज क्या करेगा अगर आप जीतते हैं तो? इसमें तो जो मनरेगा है, शिक्षित बेरोजगारी युवाओं के लिए क्या सोचते हैं? अभी तो नया पता चला है कि मुख्यमंत्री द्वारा कुछ 7 निश्चय योजना में कुछ योजना आया है, लघु उद्योग है या कुछ उसका, हम अभी उसका बारे में बढ़िया से जानते नहीं हैं, लेकिन जो भी आया है उसको हम सही ढंग से अपने नवयुवक को उसको उसमें हम लगाएं। महिलाओं के लिए भी? हाँ, महिलाओं के लिए भी अगर उस योजना होगा तो महिलाओं को भी लगाएंगे। और किस तरह का काम आपके मन में है? देखिए, मन में तो सबसे पहला चीज़ है कि हमारा जो बच्चा है वो भटके नहीं, गलत रास्ता पर नहीं जाए, पहले उसको सही रास्ता पर लाना है। उसके बाद जो खेलने वाले हैं, कुश्ती वाले हैं, उनको कुश्ती में लगाएंगे, जो पढ़ने वाले हैं उनको पढ़ने में लगाएंगे, जो बेरोजगार हैं पढ़ लिख के उनको रोजगार में लगाएंगे। आप पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम पंचायत पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम अपने पंचायत वासियों को यही संदेश देना चाहते हैं कि एक ईमानदार कर्मठ उम्मीदवार को चुने, जो ढोलक छाप हमारा चुनाव चिन्ह है 2 नंबर पर, उसको दबाकर भारी मतों से विजयी बनावें,
और जिस तरह से पहले हम काम किए हैं उससे भी बेहतर ढंग से हम काम करने और आदर्श पंचायत बनाएंगे। भ्रष्टाचार और भय जो वातावरण है इसको समाप्त करना, यही हमारा से और मीडिया से भी हमारा यह ढोलक छाप पर क्रम संख्या 2 पर ढोलक छाप पर आप लोग इस तरह से बटन दबा करके विजयी बना दें। ढोलक छाप जिंदाबाद। जिंदाबाद।